अच्छा आप यहाँ पे पूरी पराठा यूज कर रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पे ये चिकन शवरमे की है। अच्छा इसमें स्पाइसेस क्या क्या डाले हैं आपने? सॉसेज आ रही हैं भाई, जबरदस्त भाई, फुली लोडेड ये शवरमा इस वक्त हो रहा है। ओह वेरी नाइस, ऊपर से सॉस जा रही है ताकि वो प्रेजेंटेबल भी मजे का लगे। बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पे कोई कार्ड मिला है जिसका नाम है टी वाला। इनके पास काफी सारे आइटम्स है, ये देख सकते हैं आप। मटका पिज्जा भी है, रैप भी है, ठीक है जी। इनके पास सैंडविचेस भी है, बर्गर्स भी है, और ये लोकेटेड है इकबाल टाउन के अंदर। और ये रहे यहाँ पे ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज आप हमें क्या बना के दिखा रहे हैं? अब जो अभी रेड में जो मैं बना रहा हूँ वो ग्रिल ब्रेड शवरमा बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी लेके जो कस्टमर्स का मैं बना रहा हूँ, ग्रिल ब्रेड लगा रहा हूँ, ग्रिल ब्रेड शवरमा लगा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कस्टमर का बना रहा हूँ जिंगर। ठीक है, नो ओके, ये जिंगर पराठा रोल है आपका। अच्छा आप यहाँ पे पूरी पराठा यूज कर रहे हैं? जी पूरी पराठा। एक्जेक्टली। अच्छा पूरी पराठा के साथ हाँ जी बिल्कुल, ऊपर से जिंगर क्रिस्पी होती है तो मजा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कब से ये काम करते जा रहे हैं? मुझे 1.5 ईयर हो गया भाई, और ये मैंने खुद ही अपने आप को ट्रेंड किया, खुद ही सिखाया है। अच्छा। कहीं से काम नहीं सीखा, यूट्यूब खोलता था, लोगों को देखता था कैसे बनाते हैं कैसे। Okay. सबसे पहले तो मैं जॉब करता था। अच्छा आप कहाँ जॉब करते थे? मैंने ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जॉब किया हुआ है, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान टोबैको कंपनी जॉब किया। बस ऑल ओवर जितने भी हमारी जितने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं ना हमारे पाकिस्तान में, सब में तकरीबन जॉब कर चुका हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये चिकन शवरमे की है? जी चिकन शवरमे। अच्छा आप चिकन इस तरह से आप जो है वो फ्लैट आयरन पे इस तरह से आप शवरमा बना रहे हैं? आपके पास कोई शवरमा की वो नहीं है जिस तरह डोनर कबाब की होती है और शवरमा की? चले ठीक है, जब तक हम ये फ्लैट आयरन के नाम से ला लेते कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा इसमें स्पाइसेस क्या क्या डाले आपने? इसका जो होता है ना जो फ्लैट होता है, फ्लैट शवरमा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसका मेकिंग में जो होता है ग्रिल होता है, मतलब ऑटोमेटिकली कुक हो जाता है, इसको कुक करना पड़ता है, उसको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है खुद से। कोई चीज ना फैसिलिटी नहीं होती ना चीज की, तो खुद से कोशिश करता है कि मैं इसमें टेस्ट डेवलप कर दूं। बिल्कुल। अब मैं इसको टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, उसके मसाला वगैरह डाल रहा हूँ, उसके अंदर सॉसेस वगैरह डाल रहा हूँ, जूसी कर रहा हूँ इसको, ताकि टेस्ट डेवलप हो रहा है, कस्टमर तक उसको वही चीज मिले जो वो सोच के आया था। अच्छा इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है हमारा? इसे चिकन में रेडी कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका। ठीक है जी, चिकन भी प्रिपेयर हो गया। अब इसमें ब्रेड पे लगाऊंगा। ये आपकी कौन सी सॉस है? ये गार्लिक मायो, जो शवरमा की पहचान है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आगे पेरी पेरी स्पाइसी सॉस। अच्छा पेरी पेरी स्पाइसी सॉस है, ठीक है। इस पे भी काफी मेहनत होती है तैयार करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। एक होता है ना खाली मसाला डाले, इसमें काफी मेयोनीज वगैरह डाल काफी दिल से तैयार किए थे। अच्छा जी, वेजिटेबल्स भी जा चुके हैं, पीटा ब्रेड के ऊपर ऑलिव्स जा रहे हैं, उन्होंने सॉस भी लगा दी है, पेरी पेरी सॉस भी चल रही है। ये सॉस जो है ना पीनो जा रहे हैं, स्पेशली ना ग्रिल ब्रेड शवरमा है। अच्छा जी, ठीक है। और ये शवरमा बड़े यूनिक आइटम है, लोगों ने बहुत स्पेशली पसंद किया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी रनिंग आइटम है इनका यहाँ पे ये ग्रिल ब्रेड शवरमा, और लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। इसके ऊपर ये जो कुक हुई चिकन है तैयार हो रहा है, इसका पैनल से कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे जाएगी इसके ऊपर इस तरह से। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आपने विलेज फूड सीक्रेट की तरह जो है ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोले, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहते ना बस ईमान होना चाहिए आपका पक्का। सॉसेज जा रही है भाई, गार्लिक मायो, ये हनी मस्टर्ड है, ओके जी, ये थोड़ी सी प्लेन मायो, ठीक है जी, और क्या जा रहा है, और ये आ गई गार्लिक सॉस वापस से, जबरदस्त भाई, फुली लोडेड ये शवरमा इस वक्त हो रहा है सॉसेस के साथ, चिकन के साथ, और अब इसके ऊपर भी पीटा ब्रेड जाएगी। पीटा ब्रेड जाएगी, ग्रिल करेंगे और जो ग्रिल होगा वो मरेगा, देखेगा आप कैसा ग्रिल करते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर भी पीटा ब्रेड एक जाएगी। पीटा ब्रेड को यहाँ पे कर रहे हैं टोस्ट फ्लैट आयरन पे, सही है जी। ये इनका पूरा सेटअप है, यहाँ पे ये इनका कार्ट है, और अंदर इनके पास बैठने की जगह भी है। अब ये ग्रिल होने जा रहा है। अच्छा जी नाजरीन, इन्होंने ग्रिल कर दिया है पूरी, ये रख रहे हैं रैक पे, उसको रैक पे इन्होंने कर दिया है क्लोज। अब इस पे कर रहे हैं ये लोग, ये बटर कर रहे हैं, ऑयल है, ये ऑयल है, अच्छा ये ऑयल है, ओके जी, ग्रिल करना पड़ता है ना, ऑयल लगा रहा, ठीक है जी, ये ऑयल ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद अब इसको करेंगे ये ग्रिल। ग्रिल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ, ये रहा जी छोटी सी ग्रिल इन्होंने बनाई हुई है, और ये यहाँ पे इन्होंने रख दिया है। अच्छा ये इसको कितना ग्रिल करेंगे हम? और उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से टेस्ट करेगा और ये कैसी इसकी शक्ल आ जाएगी। ये देखें जी, जैसे ये टोस्ट हो गया है, जैसे ये ग्रिल हो गया है, इधर फौरन से इसका कलर चेंज हो गया है, बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। इट लुक्स वेरी 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 प्रिटी, जबरदस्त तरीके से बस ये कट हो चुका है। ओह वेरी नाइस, बड़ा ही क्रिस्पी से साउंड कर रहा है, क्रंच आई है जैसे ही आपने इसको जना कट किया है। अच्छा अभी प्लेट पे जा रहा है, जबरदस्त सा ये लग रहा है, जबरदस्त हो गया भाई, वेरी नाइस। ऊपर से सॉस जा रही है ताकि वो प्रेजेंटेबल भी मजे का लगे, और ओह
छोटी सी नहीं यार, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।